ये बबली सच में काफी बदमाश है। जब सामने आए शूट आउट अडवराला के दो आइटम सॉन्ग्स बबली और लैला, तो लैला को मिला ज्यादा अप्रिसिएशन। ये देख के हुई बबली अंदर ही अंदर काफी नाराज। ये खबर तो जूम अप तक लाया ही था, लेकिन आज की हॉट सिजलिंग खबर ये है कि अब एक बार फिर प्रियंका की नाराजगी और शुरबी से इनसिक्योरिटी का एक और झटका मिला है लैला को। जरा गौर से सुनिए। मीडिया के सवाल पर उल्टा सवाल करने वाली प्रियंका को क्या सच में नहीं पता कि सनी इस फिल्म में उन्हीं की तरह प्राइमरली एक हॉट सिजलिंग सॉन्ग के लिए साइन की गई थी, या फिर ये सनी के गाने को अपने गाने के सामने एक प्रॉपर आइटम सॉन्ग का टैग ना देने की है कोशिश? नो नो, आई एम आस्किंग लॉजिकली कि आइटम वही होता ना, जो आप अगर आप रोल नहीं प्ले कर रहे हो फिल्म में और आपने गाना किया है, तो बाकी तो आइटम नहीं हुए ना, वो तो फिल्म के गाने हुए। लॉजिक की ही बात करनी है अगर पीसी, तो आपको आपका ही एक लॉजिक याद दिला देते हैं। अपने इसी गाने को लेकर ऐसे ही एक इवेंट पे आपने कहा था कुछ ऐसा। I think it's a guest appearance song. I think when as soon as you say item गाना है, it cheapens it a little bit, which it shouldn't be. और जब बात आई सनी के हॉट आइटम सॉन्ग को टक्कर देने की, तो आप खुद ही अपनी लॉजिक भूल टैग कर रही है बबली बदमाश को एज एन आइटम सॉन्ग। बाकी तो आइटम नहीं हुए ना, बाकी तो आइटम नहीं हुए ना। वैसे प्रियंका के इस डिफेंसिव एटीट्यूड को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है, क्योंकि सनी का फिल्म में एक छोटा सा नेग्लिजिबल रोल है। फिर भी प्रियंका का फिल्म के बाकी दो सपोजिट आइटम सॉन्ग्स पर रिएक्ट करना और उनके टोन और बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट जाते जाते आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि फिल्म में प्रॉपर आइटम सॉन्ग होने के इस टैग की बात करी किसने थी? दरअसल वो जॉन इब्राहिम थे जिन्होंने बुलाया था बबली बदमाश को द प्रॉपर आइटम सॉन्ग ऑफ द फिल्म, और इसी बात पर प्रियंका का रिएक्शन तो मिला, लेकिन वो पड़ गया सनी पर भारी। बट हाँ, जॉन को जरूर मिल गई अप्रिसिएशन। जॉन एंड मी हैव अ म्यूचुअल एडमिरेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।